अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अहम सी वीडियो है, कोशिश कीजिएगा, समझिएगा, बल्कि समझ आ जाएगी। 5-7 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, बात समझ आ जाएगी। आज हफ्ता का दिन है, सैटरडे का दिन है। इसी हफ्ते के अंदर, मतलब पिछले कुछ दिनों के अंदर, मेरा एक छोटा सा वाकया हुआ। मैं इस्लामाबाद के अंदर बैठा हुआ था तो एक बंदा मिला, उन्होंने ये लफ्ज़ बोला, मेरे करीबी बंदा था, जानने वाला बंदा था, कि मैं फारेक्स के लोगों को कोर्स करवाने जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं प्रॉफिट लोगों को, वो अपनी तरफ से नेक बन रहा था कि वो अपने के मैं अपने मेरे पास जो कुछ इल्म है वो मैं दूसरे लोगों तक फैलाऊंगा। कुछ बहरहाल उसकी पेट की अलामत थी, लेकिन चलें, उसने मेरे सामने फ्री की बात की। मेरे जानने वाला बंदा था तो मैंने उनसे पूछा, आप खुद नफे में हैं नुकसान में? कहता है कि जी मैं तो नुकसान के अंदर हूँ, क्योंकि मुझे तो तमाम हिस्ट्री पता थी। तो मैंने बोला, लोगों को क्या सिखाओगे? कहता है, मैं सिखाऊंगा मार्केट में अकाउंट कैसे ओपन होता है, बाई कैसे लगती है, सेल कैसे लगती है, MT4 क्या होता है। तो मैंने कहा, उसका फ़ायदा? कहता है, लोगों को इल्म हो जाएगा। मैंने कहा, क्या जो आप इल्म लोगों को दे रहे हैं या जो इल्म लोगों को हासिल होगा वो उनकी मुआशी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा मंद होगा या नुकसान होगा? कहते हैं, फ़ायदा मंद होगा। मैंने कहा, कैसे? तो उस शख्स ने बोला कि मैं उनको सिखा दूंगा, उनके पास इल्म आ जाएगा। तो मैंने उस शख्स से बोला कि आप ऐसा करें कि वो इल्म तो आ जाएगा, उस नाकिस इल्म की बुनियाद के ऊपर उस बंदे ने, हो सकता है उसका 1,000 रुपये दिहाड़ी हो, महीने में 20 दिहाड़ियाँ लगती, हो सकता है वो किसी से सूद से पैसा उठाए, और आपके नाकिस इल्म जो कि खुद नुकसान के अंदर है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट उजाड़ दे, तो क्या फ़ायदा होगा? बहरहाल मैंने बात समझाई। तो मैंने बोला कि अब आपसे कोई बंदा वो कोर्स लेना चाहता है या वो कोर्स आप उस बंदे को करवाते हैं, तो उस बंदे को क्या बताएंगे कि आप नफे में हैं या नुकसान में हैं? वो बंदा चुप। तो मैंने कहा कि क्या आप उस बंदे को ये बता सकते हैं कि मेरा 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैं खुद आज तक इस बिजनेस के अंदर से नफे में नहीं आ सका, यही मेरी हकीकत है, यही मेरी औकात है, और उसके बाद आप उस बंदे को कोर्स करवाएं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। उस शख्स ने कहा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मैं किसी भी बंदे को बोलूं कि मैं 2.5 से 3 साल से लगातार काम कर रहा हूं और मैं इस बिजनेस के अंदर से नुकसान में हूं, तो कोई पागल है जो मुझसे कोर्स करेगा? तो मैंने उस शख्स को जो चीज़ समझाना चाह रहा था वो समझा चुका, और आप लोगों को भी समझाना चाह रहा था वो समझा चुका, कि आप लोगों में से हमारा इल्म फैलाने वाला बंदा अपनी हकीकत बयान क्यों नहीं करता? आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आपका ये हक बनता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप आकर मुझसे पूछिए तो से कि मैं खुद कितने नफ़े के अंदर हूँ, या मैं अगर नफ़े के अंदर नहीं हूँ, हमारा आज का यूट्यूबर, हमारा आज का फारेक्स को इंट्रोड्यूस करने वाला, हमारा आज का फारेक्स के ब्रोकर्स में काम करने वाला, हमारा आज का फारेक्स की सर्विसेज मुहैया करने वाला, फेसबुक के पेज वाला, सिग्नल देने वाला, अकाउंट को मैनेज करने वाला, कॉपी ट्रेडिंग वाला, लोगों को कोर्स करवाने वाला, लोगों को इल्म फैलाने वाला, अकेडमियाँ बनाने वाला, वेबिनार करने वाला, सेमिनार करने वाला, ये सारे के सारे अपना आप बताकर काम करें, यकीन माने 6 माह के बाद हम सारे नफे में होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जो आप लोगों के जिसके जिसका सामना है, हमारा बंदा स्कैम नहीं करना चाह रहा लेकिन उससे स्कैम हो रहा है, हमारा बंदा गुनाह नहीं करना चाह रहा लेकिन उसी से गुनाह हो रहा है, हमारा बंदा अपनी हकीकत को दूसरों पे अयां नहीं कर रहा। मैंने अक्सर मिसालें देता हूँ, आज की मिसाल देकर शायद बात मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आपका हक बनता है मुझसे पूछें कि मैं आज 1100 1200
फॉरेक्स के टॉपिक के ऊपर वीडियोस हैं, मैं खुद नफे में हूँ या नुकसान में हूँ, तो मुझे अपनी औकात अपना चीज़ जाहिर कर देनी चाहिए। और मैं जाहिर कर देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से नफे में हूँ। मेरे ना व्हाट्सएप पे आप रब्ता करके नफ़ा देख भी सकते हैं, और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का मिलियंस के हिसाब से तो ज़रूर कमाता हूँ, लेकिन मिलियंस के हिसाब से पैसे के ऊपर कमाता हूँ। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का, तनी फॉरेक्स वाले अपनी इन्वेस्टमेंट का साल का 30% से 100% कमाते हैं। लेकिन आज का हमारा यूट्यूबर, आज का हमारा अपने ही कज़न, अपने ही भाई को इस फील्ड के अंदर लाने वाला शख्स, वो खुद आंखें बंद करके देख ले, वो खुद नुकसान के अंदर होगा और दूसरे लोगों को वो कोर्स बेच रहा है। तो ये बात आप लोगों की समझ में आनी चाहिए कि वो कोर्स बेचने वाला जिन लोगों को कोर्स बेच रहा है, मुमकिन है वो अपनी तरफ से नेकी कर रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो कोर्स उस बंदे को आज तक नफ़े में नहीं ला सका। तो जिन लोगों को वो कोर्स पे लाएगा, जिन लोगों को वो सिखाएगा, उन लोगों को वो ये हकीकत अयां क्यों नहीं कर सकता कि मैं खुद 3 साल से नुकसान में हूँ, मैं खुद 1.5 साल से नुकसान में हूँ, मैं खुद 5 साल से नुकसान में हूँ। वो अपने आप को झूठ और धोखे की बुनियाद पर इस तरह का काम कर रहा है कि वो शख्स बोलता है कि मैं खुद नफ़े में हूँ। आज जब वो नफ़ा शो करवाता है, तो मैंने कल शाम को भी एक बंदे को मिसाल दी थी, आपको भी मिसाल देता हूँ कि कोर्स बेचना कोई जुर्म नहीं है, MT4 MT5 सिखाना कोई जुर्म नहीं है। मैं इस मिसाल को एक छोटी सी बात के बाद आगे लेकर चलूँगा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है। हमारे यहाँ दो शख्स मुजरिम हैं जो आज हम और आप लोग नुकसान के अंदर हैं। एक वो शख्स जो जाहिल होकर इल्म फैलाता है, और एक वो शख्स जो इल्म वाला होकर इल्म छुपाता है। एक शख्स जो जाहिल होकर इल्म फैलाता है, वो खुद नुकसान में है, उसके शर से दुनिया शर में आ रही है, और जो शख्स खुद नफ़े में है और वो इल्म छुपाता है, तो वो भी एक किस्म का मुजरिम है। मैंने कल मिसाल शाम को दी थी, जिसे के ऊपर मैं अभी आ रहा था, कि ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी दुकान के ऊपर जाएं और उधर शराब बिक रही हो, तो आप लोगों के लिए नुकसान की बात नहीं है। जुर्म ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वो शराब है, आपने नहीं पीनी। आप बोलेंगे मैंने शराब नहीं पीनी, मैं नहीं लेता, लेकिन अगर ऊपर पेप्सी का लेबल लगा हुआ हो और अंदर से शराब हो, आप पेप्सी बना कर पिए, अंदर से आपको शराब मिले, तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो आज हमारे अकाउंट मैनेजर, आज हमारा फॉरेक्स के अंदर काम करने वाला शख्स, आज हमारा फॉरेक्स में अपने ही करीबी रिश्तेदारों को इंट्रोड्यूस करने वाला, ब्रोकर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला शख्स, वो खुद नुकसान के अंदर है। तो वो शराब के ज़रूर लोगों को पिला रहा है, लेकिन ऊपर लेबल पेप्सी का लगा हुआ है। तो मैं अपने तमाम सुनने वाले नाज़रीन को यही बात बोलूँगा, कोई शख्स आपको कोर्स बेचता हो, कोई शख्स आपको सिग्नल बेचता हो, कोई शख्स आपको किसी भी ब्रोकर को इंट्रोड्यूस करवा रहा हो, कोई शख्स आपको अपनी क्लासेस दे रहा हो, तो याद रखिएगा, उस बंदे से अपने 2 साल का 3 साल का इन्वेस्टर पासवर्ड मांग लें। ऐसा नुस्खा देकर जा रहा हूँ, तमाम लोग आपको छोड़ जाएंगे। आप एक ऐसे शख्स के कहने के ऊपर कैसे ब्रोकर को चूज़ कर सकते हैं जिस शख्स को ना आप जानते हैं, जिस शख्स का ना आपको पता है कि वो खुद नफ़े में है या नुकसान में है। तो अपने आप के ऊपर नज़रसानी करें, अपने दोस्तों को मुखलिस रखें। हमारा अक्सर दोस्त बोलता है कि खैर है, वीडियो सुनने में तो कोई मसला नहीं है, तो आप अपने घर के साथ वाले सब्जी वाले से फॉरेक्स का लेक्चर क्यों नहीं सुनते। आपने हमेशा कामयाब लोगों से फॉरेक्स की बातें सीखनी है, और जो लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, ये आपने उन तमाम लोगों को वीडियोस दिखानी है, सुनानी है, समझानी है, जो लोग खुद नुकसान के अंदर हैं, वो अपना इल्म फैला रहे हैं, मुझे फैलाने से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन वो ये बात ज़रूर कर दें कि अब मैं नुकसान में हूँ। वो ब्रोकर को इंट्रोड्यूस करते वक्त ये बात बोल दें कि मैं इस ब्रोकर के अंदर आज तक नफ़ा नहीं कमा सका। वो अपने कोर्स बेचने से पहले इस ये बात ज़रूर बोल दें कि मैं आज तक इस कोर्स से खुद नफ़े में नहीं आ सका। अगर कोई शख्स यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाता है, वो शख्स यही बात बोल दे कि मैं आज तक खुद इतने नफ़े में नहीं आ सका, जो उसकी हकीकत है, अगर वो अयां करके बेच दे, कोई मसले वाली बात नहीं है। जिसने जो कोर्स लेना है वो कोर्स ले, जिसने नहीं लेना वो ना ले। तो बहरहाल मेरी बात की आपको समझ आ गई होगी, हमारा जाहिल बंदा इल्म फैला रहा है और उसकी जहालत से लोगों को नुकसान हो रहा है। तो आप लोग किसी भी बंदे से वास्ते में हों, आप लोग उस बंदे से अपने इन्वेस्टर पासवर्ड ज़रूर लें।
आज बस इतना ही था। और इल्म ज़रूर फैलाएं लेकिन अपनी हकीकत को अयां करके। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि।